दोस्तों, मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में चिलर प्लांट की सेफ्टी के बारे में बताया। आज मैं चिलर प्लांट में किसी प्रकार का फॉल्ट होता है, वो फॉल्ट किस कारण आता है और उसको हम रिजॉल्व कैसे करेंगे, इसके बारे बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को चिलर प्लांट की सेफ्टी के बारे बताया, मैकेनिकल सेफ्टियाँ होती है, हाई प्रेशर लो प्रेशर प्रोटेक्शन, ऑयल प्रेशर प्रोटेक्शन, ऑयल लेवल प्रोटेक्शन, वाटर फ्लो स्विच, एंटी फ्रीज प्रोटेक्शन, प्रेशर रिलीव वॉल एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी होती है, सिंगल फेज रिवर्स फेज प्रोटेक्शन एंड ओवर करंट प्रोटेक्शन। मैं पहले आप लोगों को इलेक्ट्रिकल फॉल्ट एंड उसका ट्रबल शूट कैसे करेंगे इसके बारे बताऊंगा। सबसे पहले सिंगल फेज एंड रिवर्स फेज। सिंगल फेज किसी प्रकार का यदि वायर में ब्रेक आ जाता है या फिर कहीं कनेक्शन हट जाता है तो हमें सिंगल फेज का अलार्म आता है, और यदि कहीं अंडरग्राउंड में केबल जा रही है और वहाँ पर किसी प्रकार का फॉल्ट हो गया तो कभी कभी जो टेक्नीशियन होते हैं, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन होते हैं, वो आर 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 के जगह वाई को जोड़ देते हैं और वाई की जगह आर को जोड़ देते हैं। इस प्रकार हमारा जो फेज सीक्वेंस होता है वो रिवर्स हो जाता है। रिवर्स फेज होने से हमारा जो मोटर है वो उल्टा घूमने लगता है, जिससे हमारा मोटर में डैमेज आ सकता है, उससे जुड़े पंप या फिर कंप्रेसर को डैमेज कर सकता है। इसलिए हम रिवर्स फेज प्रोटेक्शन लगाते हैं ताकि हमें मालूम चल जाए कि रिवर्स फेज आया है। उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? उसको हम सॉल्व फेज इंटरचेंज करके करेंगे। जैसे कि मान लिया आर वाई है तो आर के जगह वाई को कनेक्ट कर देंगे और वाई को वाई के जगह आर को कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार हम रिवर्स फेज के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिंगल फेज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि कहीं वायर का कनेक्शन हट गया है या नहीं। यदि वायर का कनेक्शन हट गया है तो उसे हम प्रॉपर कनेक्ट करेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से टाइट करेंगे और सिंगल फेज का जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। या फिर कहीं वायर ब्रेक कर गया है तो फिर उसे कनेक्ट करेंगे। इस प्रकार से हम सिंगल फेज के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओवर करेंट का मेन कारण होता है लो वोल्टेज, लो रेजिस्टेंस या फिर बेयरिंग फेलियर। यदि हमारा बेयरिंग फेलियर होगा तो भी ओवर करेंट का केस आ सकता है, मोटर में आवाज़ आएगी प्लस हाई करेंट लेगा। सेकंड, लो रेजिस्टेंस। इंसुलेशन फॉल्ट के कारण हमारा लो रेजिस्टेंस का केस आ सकता है। यदि मोटर में प्रॉपर तरीके से कूलिंग प्रोवाइड नहीं किया गया है तो उसका इंसुलेशन में धीरे धीरे डिग्रेडेशन होता है, यानी उसका इंसुलेशन धीरे धीरे ख़राब होता है, जिससे शॉर्ट सर्किट के भी केस आ सकते हैं या फिर लो रेजिस्टेंस का केस आ सकता है। इससे भी ओवर करेंट लेने लगता है, यानी ओवर करेंट यानी मोटर का जो रेटिंग करेंट है उससे ज़्यादा करेंट लेने लगता है, जिसके कारण ओवर करेंट फॉल्ट आता है। और सेकेंड, लो वोल्टेज। यदि हम मोटर को प्रॉपर तरीके से वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करें तो भी हाई करेंट का फॉल्ट आता है। इसको हम रिजॉल्व कैसे करेंगे? यदि बियरिंग फेल्योर है तो बियरिंग चेंज कर देंगे, या फिर इंसुलेशन फेल्योर है तो मोटर का इंसुलेशन दोबारा करवाएंगे। और सेकेंड, लो वोल्टेज का कारण हो सकता है हमारे कॉन्टैक्टर ख़राब हो गए हों या पीछे से ही हमारा लो वोल्टेज आ रहा है। यदि हमारे लो वोल्टेज आ रहा है तो हम ट्रांसफॉर्मर से टेप चेंज करके वोल्टेज के क्वालिटी को हम सुधार सकते हैं, या फिर कॉन्टैक्टर यदि ख़राब है तो कॉन्टैक्टर को हम चेंज करके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को मैकेनिकल सेफ्टी के बारे बताने वाला हूँ। यदि मैकेनिकल सेफ्टी जैसे हाई प्रेशर लो प्रेशर, एंटी फ्रीज, वाटर फ्लो स्विच, लो ऑयल लेवल, ऑयल प्रेशर, ये सारे फॉल्ट यदि आते हैं तो हम इसका ट्रबल शूट कैसे करेंगे? हाई प्रेशर का केस मेनली या तो हमारा कंडेंसर लाइन का वाल बंद है, या फिर पंप बंद है, या फिर कूलिंग टावर में प्रॉपर
वाटर नहीं है या फिर हमारे कूलिंग टावर का जो फैन है वो बंद है, इसके कारण हाई प्रेशर का केस ज़्यादा आता है, या फिर हाई प्रेशर स्विच का कनेक्शन लूज है, इसके कारण भी हाई प्रेशर का फॉल्ट आता है, यानी हाई प्रेशर का अलार्म आता है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो वाल्व देखेंगे, कंडेंसर लाइन का वाल्व देखेंगे, उसके बाद पंप्स देखेंगे, कंडेंसर वाटर सर्कुलेशन पंप्स देखेंगे वो चल रहे हैं कि नहीं, उसके बाद हम वाटर लेवल देखेंगे कूलिंग टावर में और सीटी फैन चल रहा है कि नहीं वो देखेंगे। इस प्रकार से हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या फिर ये सारे ठीक हैं फिर हम लूज कनेक्शन देखेंगे, हाई प्रेशर स्विच का कनेक्शन देखेंगे वो प्रॉपर है या नहीं, ये यदि वो लूज है तो उसको प्रॉपर तरीके से टाइट करेंगे। इस प्रकार से हम हाई प्रेशर के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हाई प्रेशर का फॉल्ट ओवर चार्ज से भी हो सकता है, यानी हम यदि गैस ओवर चार्ज कर देते हैं उससे भी हाई प्रेशर का केस आता है। तो उस कंडीशन में हम जो भी गैस है उसको प्रेशर रिलीफ वाल्व के हेल्प से हम उसे रिलीज कर सकते हैं। लो प्रेशर का फॉल्ट या तो वाटर फ्लो प्रॉपर नहीं है या फिर लो प्रेशर स्विच का कनेक्शन लूज है, हम इसको सॉर्ट आउट करने के लिए वाटर फ्लो प्रॉपर रखेंगे एंड उसका कनेक्शन को टाइट करेंगे। इस प्रकार से हम लो प्रेशर के फॉल्ट को हम सॉल्व कर सकते हैं। वाटर फ्लो स्विच का अलार्म तब आता है यदि कंडेंसर लाइन या फिर चिल्ड वाटर लाइन में वाटर फ्लो प्रॉपर नहीं है, तो उस केस में हमारा वाटर फ्लो स्विच अलार्म आएगा, या फिर वाटर फ्लो स्विच का कनेक्शन लूज है इससे भी वाटर फ्लो स्विच का अलार्म आता है। इसको हम सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले वॉल चेक करेंगे एंड पंप चेक करेंगे, साथ ही साथ हम वाटर फ्लो स्विच का कनेक्शन को चेक करेंगे। इस प्रकार से हम वाटर फ्लो स्विच अलार्म को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एंटी फ्रीज का अलार्म तब आता है जब वाटर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, उस टाइम हम सबसे पहले मैनुअली टेम्परेचर चेक करेंगे और एंटी फ्रीज का अलार्म उसके लूज कनेक्शन से भी आ सकता है। यदि टेम्परेचर सही है 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो फिर हम एंटी फ्रीज के कनेक्शन को चेक करेंगे और उस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करेंगे। लो ऑयल लेवल का अलार्म तब आता है जब हमारे कंप्रेसर में प्रॉपर ऑयल नहीं होता है, यानी जो ल्यूब्रिकेशन ऑयल होता है वो प्रॉपर कंप्रेसर में नहीं होता है, उस केस में लो ऑयल लेवल का अलार्म आता है, या फिर जो लो ऑयल लेवल स्विच है उसका कनेक्शन लूज हो सकता है। यदि लो ऑयल लेवल स्विच का कनेक्शन लूज है उस केस में भी अलार्म आ सकता है, इसलिए हम लोगों को उसका कनेक्शन को भी चेक करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लो ऑयल प्रेशर का अलार्म तब आता है जब ऑयल फिल्टर चॉक हो जाता है, यानी ऑयल फिल्टर ख़राब हो जाए या फिर ऑयल फिल्टर में क्लॉगिंग का केस आता है, यानी चॉक हो जाता है, तो उस केस में ऑयल डिफरेंशियल का अलार्म आता है, इसलिए हम टाइम टू टाइम ऑयल फिल्टर को चेंज करते हैं ताकि इस टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सेकंड, ऑयल प्रेशर स्विच का कनेक्शन चेक करेंगे, यदि हमारा ऑयल फिल्टर सही है तब भी ऑयल प्रेशर का अलार्म आ रहा है तो हम उसके कनेक्शन को चेक करेंगे और उसको प्रॉपर तरीके से टाइट करेंगे। इस प्रकार से हम ऑयल डिफरेंशियल अलार्म को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, यानी ऑयल डिफरेंशियल अलार्म जो है उसको हम उसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लो प्रेशर का और एक कारण है, यदि हमारे प्लांट में प्रॉपर गैस नहीं है या फिर गैस लीक कर रहा है, उस केस में भी लो प्रेशर का अलार्म आता है। जैसे कि मान लिया हमारे प्लांट में प्रॉपर तरीके से हम लोग गैस रिचार्ज नहीं किए या फिर कहीं से गैस लीक कर रहा है, इस केस में भी लो प्रेशर का अलार्म आता है।
इसलिए हम गैस लीकेज को भी प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे। गैस लीकेज कैसे चेक करते हैं? गैस लीकेज हम को चेक करने के लिए सॉप बबल्स का यूज करते हैं और उसको जगह जगह उसके लेयर को हम लोग जगह जगह लगाते हैं ताकि कहीं से भी यदि गैस लीकेज हो तो वहाँ से बबल्स निकलना स्टार्ट हो जाता है। उससे हम फाइंड कर सकते हैं कि उस पॉइंट से गैस लीक कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़रूर से ज़रूर बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को मिल सके। धन्यवाद।